हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना बेसिक बॉडिस कंप्लीट किया था और ये बेसिक बॉडिस यहाँ पर टेस्ट फिट लगा हुआ है। इस वीडियो में अब हम लोग बेसिक स्कर्ट बनाएंगे। तो बेसिक स्कर्ट बनाने से पहले जो मेजरमेंट की ज़रूरत है हम लोग उसको लेना सीख लेते हैं। तो बेसिक स्कर्ट के लिए वी हैव टू टेक आवर राउंड वेस्ट मेजरमेंट, 28 इंचेस यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद राउंड हिप, ये लगभग 38.5 इंचेस आ रहा है। और लास्ट जो हम लोगों को चाहिए वो है स्कर्ट की लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे और इसकी स्कर्ट की लेंथ मेजर करेंगे। तो ये चूंकि हम लोग बेसिक बना रहे हैं, हम लोग अभी 15.5 इंचेस ही रखेंगे। फिर जब हम लोग वेरिएशन बनाएंगे देन वी कैन इंक्रीज द लेंथ। सो दीज आर द मेजरमेंट्स दैट वी नीड टू ड्राफ्ट अ बेसिक स्कर्ट पैटर्न: राउंड वेस्ट, राउंड हिप एंड द लेंथ। नाउ वी आर मूविंग ऑन पैटर्न मेकिंग टेबल टू ड्राफ्ट द पैटर्न ऑफ बेसिक स्कर्ट। तो बढ़ते हैं हम लोग बेसिक स्कर्ट का पैटर्न ड्राफ्ट करने पर। सबसे पहले एक एक इंच गैप रख करके हम लोग इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस तरफ भी एक इंच का गैप रख करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हिस्सा है ये स्कर्ट की लेंथ है और ये वाला जो हिस्सा है ये डायरेक्शन स्कर्ट की विड्थ है। ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है इसको हम लोग पॉइंट ए मार्क करेंगे और ए से नीचे की तरफ आएंगे, दैट इज़ स्कर्ट लेंथ। स्कर्ट लेंथ हम लोगों ने 15.5 इंचेस रखा था, तो हम लोग 15.5 इंचेस या बहुत ज़्यादा तो आप लोग 16 इंचेस जा सकते हैं। सो आई विल गो 15.5 इंचेस ओनली। ये पार्ट है हमारा पॉइंट बी और यहाँ पर से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे। From B, we will go inside and make a point C that will be 1/4 of round hip. हम लोग एक बार अपना मेजरमेंट फ्रेश कर लें। वेस्ट हम लोगों की 28 इंचेस है, हिप इज 38 इंचेस और लेंथ हम लोगों ने 15.5 इंचेस रखा है। सो ए टू बी इज लेंथ, दैट इज 15 इंचेस। नाउ बी टू सी इज 1/4 ऑफ राउंड हिप। सो 38 को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे और जो भी आएगा उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। सो वो आता है 9.5 इंचेस। सो बी टू सी इज 9.5 इंचेस। ये हमारा पॉइंट सी हो गया। सी से हम लोग एक लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे और दैट विल बी आवर पॉइंट डी। ये पॉइंट डी हुआ। नाउ वी विल गो फ्रॉम डी टू ई एंड डी टू ई इज इक्वल टू ए टू डी। और फिर यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा ई हो जाएगा और ये पॉइंट एफ हो जाएगा। फ्रॉम ए वी विल गो डाउन 7.5 इंचेस, दैट इज हिप लेवल। ये पॉइंट जी और यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इंटरसेक्शन जो यहाँ पर हो रहा है ये हो जाएगा हमारा पॉइंट एच और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आई। फ्रॉम पॉइंट ए वी विल गो इनसाइड एंड मेक अ पॉइंट जे। ए टू जे इज 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट प्लस 1.5 इंचेस, दैट इज 8.5 इंचेस।
राइट हियर, ये हमारा पॉइंट जे. नाउ फ्रॉम ई वी विल गो इनसाइड अगेन 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट प्लस 1 inch. That will be 8 inches. ये हो गया हमारा पॉइंट के. फ्रॉम जे वी विल गो अप बाय 1/2 inch एंड मार्क इट एज जे वन. फ्रॉम के वी विल गो अप बाय 1/2 inch एंड मार्क इट एज के वन. Join A with J1. And join E with K1. Our pattern is almost done. अब बारी है हम लोगों को dart placements करने की. तो डार्ट पोजीशनिंग करने के लिए हम लोग अपने बेसिक बॉडीज का इस्तेमाल करेंगे. नाउ दिस पार्ट ओवर हियर इज आवर फ्रंट एंड दिस पार्ट ओवर हियर इज आवर बैक. फ्रंट और बैक में डिफरेंस क्या है? वो मेजरली वेस्ट का है. तो फ्रंट की वेस्ट ज़्यादा होती है और बैक की वेस्ट कम होती है. तो अब डार्ट प्लेसमेंट करने के लिए हम लोगों को अपने बेसिक बॉडीज पैटर्न का इस्तेमाल करना है. एंड व्हाट वी विल डू, वी विल अलाइन आवर फर्स्ट डार्ट लेग एंड सेंटर फ्रंट लाइक दिस. और ये जो भी डिस्टेंस आएगा ये इस वाली लाइन पे ए टू जे वन वाली लाइन पे हम लोग मार्क कर देंगे लाइक दिस. और फिर वहाँ पर अपनी हम लोग पहली डार्ट बनाएंगे. ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जब हम लोग स्कर्ट को और बेसिक बॉडीज को स्टिच करें तो दोनों की डार्ट बिल्कुल एक जगह ही आकर के प्लेस हो और एक जगह ही आकर के दिखाई दे. सो दिस इज आवर फर्स्ट प्लेस ऑफ डार्ट. ये मार्क किया. इसके बाद वी विल मार्क 3 ब्लॉक्स एंड देन अगेन 3 ब्लॉक्स लाइक दिस. बीच वाली डॉट से, बीच वाली मार्किंग से वी विल गो डाउन बाय 4 inches. एंड देन ज्वाइन द एंड पॉइंट विद अदर 2 पॉइंट्स. लाइक दिस. अब हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम लोग हाफ में डिवाइड कर देंगे लाइक दिस. इस डार्ट लेग से जे वन तक के डिस्टेंस को हाफ में डिवाइड कर लेंगे. वी विल मार्क दैट पॉइंट और इसके दोनों साइड 3 ब्लॉक्स मार्क करेंगे. वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम ये डार्ट की लाइन बना रहे हैं बीच वाली तो ये ऊपर वाली लाइन से परपेंडिकुलर जा रही हो, यानी 90 डिग्री एंगल पे. हम स्ट्रेट नहीं दे रहे हैं बल्कि ये स्लैंट है और ऊपर वाली लाइन से परपेंडिकुलर है, इस बात का ध्यान रखना है. अगेन वी विल मार्क अ लाइन ऑफ 4 inches फ्रॉम द मिड पॉइंट और उसको दोनों साइड वाले पॉइंट से मिला देना है और एक डार्ट बना देनी है. ये फ्रंट पैनल की दोनों डार्ट रेडी हो गई है. अब सेम काम हम लोगों को बैक में भी रिपीट करना है. बैक में करने के लिए वी विल अगेन टेक आवर बैक बेसिक बॉडीज, उसके डार्ट लेग से सेंटर फ्रंट की दूरी को मार्क करते हुए उसकी पोजीशनिंग लेनी है. उसके बाद देन वी विल अगेन मार्क 3 ब्लॉक्स एंड 3 ब्लॉक्स. बीच वाली पॉइंट से वी विल गो डाउन
और 3.5 इंचेस ओनली, इस बार 4 इंच नहीं जाएंगे, इस बार 3.5 इंचेस ही जाएंगे। और साइड वाले दोनों पॉइंट से इसको मिला देना है। अब इस वाले डार्ट लेग से और K1 तक के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग हाफ में डिवाइड करेंगे। विल मार्क दैट पॉइंट। इस पॉइंट के दोनों साइड वी विल अगेन टेक 3 ब्लॉक्स। सेंटर वाले मार्किंग से हम लोग परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3.5 इंच की। एंड देन विद दिस एंड वी विल जॉइन अदर 2 पॉइंट्स। ये हमारी डार्ट बन चुकी है। अब बारी है साइड की शेपिंग करने की, दैट इज साइड सीम। फॉर शेपिंग ऑफ द साइड सीम वी विल नीड आवर हिप कर्व। मेक श्योर यू हैव अ हिप कर्व नॉट अ लेग कर्व। और पॉइंट एच को पॉइंट J1 से मिलाना है। लाइक दिस। गिव अ स्मूथ कर्व। और कर्व ऐसा होना चाहिए कि ये यहाँ तक आते आते, एच तक आते आते स्ट्रेट हो जाए। अगेन वी विल रिपीट द सेम थिंग विथ K1 एंड एच। यहाँ का कर्व थोड़ा शार्प होगा बट स्टिल वी विल ट्राई टू मेंटेन सेम कर्व एज वी हैव गिवन इन J1 टू एच। दिस इज इट। सो ये हमारा बेसिक स्कर्ट का पैटर्न रेडी हो गया है। ये फ्रंट है, ये बैक है। इसकी मार्किंग्स कर दी जाए ग्रेन लाइंस की। ये इसकी ग्रेन लाइन होगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कट दिस पैटर्न। और उसके बाद फिर हम लोग इसकी भी टेस्ट फिट बनाएंगे जिस तरीके से हम लोगों ने बेसिक बॉडीज की बनाई थी। थैंक यू वेरी मच। कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।